दोस्तों, अगर आपको लगता है कि एक्टिंग की वजह से शाहरुख को बादशाह कहा जाता है तो आप गलत हैं। आज हम आपको उनकी दरियादिली के बारे में 5 बातें बताने जा रहे हैं। एक, दोस्तों, शाहरुख खान के एक इंटरव्यू के दौरान हुए हादसे में एक टीवी न्यूज रिपोर्टर घायल हो गया था। शाहरुख खान ने उसे न केवल हॉस्पिटल लेकर गए बल्कि उसका सारा खर्च भी उठाया, जो कि 2 लाख रुपए प्रति दिन था। दो, सन 2009 में शाहरुख खान ने उड़ीसा के कई गांव में सौर ऊर्जा के प्लांट लगवाए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज़ादी के 61 साल के बाद गांव वालों ने पहली बार बिजली देखी और वो आज तक शाहरुख का एहसान नहीं भूल पाए हैं। तीन, सन 2012 में शाहरुख खान पहले भारतीय बने जिन्होंने अपनी चैरिटी के काम के लिए यूनेस्को अवार्ड जीता और पूरे भारत का नाम जर्मनी में रोशन कर दिया, लेकिन शाहरुख कभी भी अपनी चैरिटी के बारे में बात नहीं करते हैं। चार, शाहरुख खान की आईपीएल टीम ने 7 सीजन जीत लिया था जिसके लिए उन्हें 15 करोड़ रुपए दिए गए थे। शाहरुख ने खिलाड़ियों को अपने पास से पैसे दिए और जीती हुई धनराशि पूरे 15 करोड़ रुपए मुंबई और कलकत्ता के कैंसर पेशेंट के लिए दान कर दिए थे। पाँच, 2015 में चेन्नई में गंभीर बाढ़ आई जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने सिर्फ बातें की और कोई मदद नहीं की। वही शाहरुख खान ने चेन्नई सरकार को पत्र लिखकर दुख व्यक्त किया और 1 करोड़ रुपए का दान दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने 12 लाख केरला बाढ़ में, 25 लाख सुनामी फंड में और 30 लाख उत्तराखंड बाढ़ में दान किया। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में शाहरुख के बारे में हम आपको सिर्फ कुछ ही बातें बता पाए हैं। आपका शाहरुख के बारे में क्या कहना है? अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। ऐसी ही और रोचक खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।